भाई रोड थोड़ी जानी पहचानी लग रही होगी पानीपत। तो भाई अभी बज गए रात के 12:15 और अभी तक हमें रूम नहीं मिला भाई, ठोकरे खा रहे हैं। इस ये हमारा चौथा होटल है जिसमें हमने पूछा और उन्होंने मना कर दिया कि रूम नहीं है। यहाँ पे हमने गुजारा करना है एंड सवेरे यहाँ से टाइम से निकल जाएंगे ताकि हम टाइम से मनाली पहुंच जाएं फटाफट। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड भाई आप हमें सीधा गाड़ी में देख रहे हो, सोच रहे होगे कि कहाँ जा रहे हैं पैकिंग शैकिंग करके ऐसे टोपी टोपी पा के, मतलब हम बर्फ में जा रहे हैं। आप लोगों ने सही गेस करा कि हम बर्फ में जा रहे हैं, बर्फ मतलब कि बहुत ज्यादा बर्फ, बहुत बर्फ। ये पीछे बैठी है ना है ना, और ये भी साथ में जा रही है, एक अपना भाई ध्रुव, ये भी भाई साथ में जा रहा है। तो बहुत फन करेंगे बहुत ऊपर। कल रात को ताजा ताजा स्नोफॉल हुई है वहां पे एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 12 बज रहे हैं, मतलब काफी लेट हो गए। सोचा था कि 7 बजे निकलेंगे, 8 बजे निकलेंगे, 9 बजे निकलेंगे, लेकिन यार थोड़ा ना बस टाइम शेड्यूल ऐसे ही चलता गया, लेट हो चुके हैं। बट कोई नहीं, बस अब हम निकल रहे हैं, सीधा पहले निकलते हैं दिल्ली से बाहर, बॉर्डर भी पार करना है क्योंकि सिंधु बॉर्डर पे आपने देखा होगा मेरी पिछली वाली वीडियो में कि वहां पे डायवर्जन है तो अंदर से जाना पड़ता है तो टाइम लगता है। तो सीधा अब चलते हैं बाहर बॉर्डर की तरफ एंड वहां पे आपसे बात करता हूँ। एंड आपको बताऊं एक जगह हम जो जा रहे हैं बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है, वो आगे आपको पता लगती रहेगी। अब वीडियोस आती रहेंगी तो आपको पता लगती रहेंगी, तो बहुत बढ़िया लगेगा। एंड अब सीधा चलते हैं यहाँ से, दिल्ली से फटाफट बाहर निकलते हैं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गया है, तो चलो यार सीधा निकलते हैं बाहर। तो भाई फाइनली हम हाईवे पे पहुंच चुके हैं, मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे, लेकिन हमें पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी, बट पहुंच गए, 1 घंटा लग गया, मतलब ऑलमोस्ट घर से निकलते हुए हाईवे तक। और अभी आगे बॉर्डर है, जाकि आपने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि भी वहां से डाइवर्जन है, वो देखते हैं कि डाइवर्जन है कहाँ से, अंदर से रास्ता कौन सा है, ताकि अगर किसी ने जाना हो तो वो रास्ते को आप इस वीडियो में देख लो और निकल जाओगे बड़ी जल्दी से। तो वो रास्ता अभी आगे आने वाला है, फिर देखते हैं कहाँ से निकलते हैं और ये कैसे कटता है और डाइवर्जन क्या है। फाइनली आ चुके हैं बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर आ गया है एंड ये सारी फोर्स लगी हुई। अब यहाँ से देखो डाइवर्जन कैसा है कि बॉर्डर से पहले ही थोड़ा सा गुरु तेग बहादुर मेमोरियल जैसे आप पार करोगे ना ऐसे डाइवर्जन आ जाएगा। अब यहाँ से राइट लेना हमने अंदर से रास्ता जाने के लिए, और ये सारी फोर्स खड़ी, तो इस रास्ते से हम अंदर जाते हैं, मतलब गांव के अंदर से बड़ा ट्रैफिक होगा अभी थोड़ा सा। यहाँ से राइट लेके ऐसे ऐसे अपने आप ही घूम के सीधा आप बाहर हाईवे पे आ जाओगे और फिर आप सीधा जा सकते हो, फिर आगे कोई डाइवर्जन नहीं है। और आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि पंजाब के जितने भी टोल हैं फ्री हैं, कोई वहाँ पे पैसे नहीं देने, कुछ नहीं देने, फार्मर्स की वजह से उन्होंने वो टोल फ्री करे हुए हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आप क्या कह रहे थे? मैं कहती है गांव है, मैंने कभी गांव नहीं देखे हैं, मतलब इसने कभी पिंड ही नहीं देखा, गांव की लाइफ देखनी है कैसी होती है, अरे तो बीच में जगह अच्छी आई है ना, अच्छी आई है तो तुम, मतलब इसने गांव नहीं देखे, बताओ ये हाल है। देखो और जो वहाँ पे वो जो गोबर इकट्ठा करके ऐसे ऐसे लगाते हैं ना ऐसे करके, नहीं 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 नहीं, वो मंजी पे बैठे हैं और वो सारे बातें कर रहे हैं, स्वेटर वो बना रहे हैं, सब देखना मुझे, वो सब देखना है, तो वो अभी आपको पंजाब दिखेगा, पहले यहाँ से निकले। फाइनली वी आर बैक ऑन हाईवे, मतलब बहुत लंबा वो जो डाइवर्जन है ना, कम से कम 20 किलोमीटर का है, तो 2 घंटे हमारे अंदर ही खराब हो गए, बहुत बुरी हालत है, बहुत रास्ता, पता लग रहा है कि वहां से आते हुए क्या हालत होने वाली है और यहाँ से जाते हुए क्या हालत होती है। तो भाई रोड थोड़ी जानी पहचानी लग रही होगी, पानीपत पुलिस वाले के पीछे से निकाली थी तो मतलब यहाँ से हम फिर आ गए, मतलब यही वो रोड थी जहाँ पे पुलिस वालों ने भाई को घेर लिया था, लेकिन भाई निकल गया बस जान बचाते हुए। तो ये वो रोड थी जहाँ पे पुलिस वालों ने मेरे को घेर लिया था। पानीपत हाईवे पे चढ़ चुके हैं। ओहो हाँ जी, यादें, मतलब यही वो रोड थी, मतलब कितना सेंसेशन बन गया है, कितनी वीडियो वायरल होगी, लोग टैग करते हैं अभी तक कि बनी ने जो स्किट मारी थी या जो भी है, कि मतलब कितनी मारी थी उसको ऐसे निकलना कहते हैं, कितने सारे हर जगह वो स्प्रेड हो गई। तो भाई
पानीपत आ चुका है। बाजी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पानीपत आ गया है। साहब पानीपत इज कमिंग मार 20 लाख। पानीपत अब यहाँ से निकलते हैं, पता लगे कहीं यही वो लड़का था। हाँ भाई घेर लो इसको, टोल पे आ जाओ, फटाफट निकलते यार पानीपत से। बहुत रास्ता पड़ा, बर्फ बहुत पड़ी हुई है ऊपर। अब लंच खाएंगे, वो टाइम हो गया, भूख लग रही थी बिल्कुल ना, पागल हो गए थे हम चला चला के मतलब 5-6 घंटे से चला ली। जाम इतना था लेकिन रास्ता अभी कुछ कवर नहीं हुआ, और जाम जा रहे हैं ना 2 बजे से पहले नहीं पहुंचते ना 2 बजे से पहले, तो सीधा अब पेट पूजा की जाए फिर आपसे बात करी जाए। ऊपर सर नीचे तो यहाँ पे ट्विस्टर की बातें चल रही है, थोड़ी एडवेंचर आइलैंड की, खाना पानी हो गया, अब कहीं नहीं रुकना, अब सीधा चलना है यार। बहुत लेट हो बर्फ में, अभी रात को धुंध जब हो जाएगी ना तब देखना भाई, तब और ही अलग मतलब गाड़ी आज एडवेंचर होने वाला, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, अंदर से फीलिंग आ रही है कि आज हमें संघर्ष करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। एडवेंचर आज हमारा यही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात, यही एडवेंचर हो जाएगा। बताओ अभी 150-200 किलोमीटर आए नहीं और पहले एडवेंचर। थैंक्स फॉर योर विजिट। थैंक्स फॉर योर विजिट। चलो करनाल वाले बाय बाय कर रहे हैं, बाय बाय। तो भाई ये रास्ता हमें पता नहीं है कि ये कहाँ को निकलेगा, लेकिन शॉर्टकट है थोड़ा शॉर्टकट है लेकिन इतना भयंकर शॉर्टकट है। सोगी नहीं। ये नहीं सोई मैं, मतलब 3-4 घंटे सो चुका हूँ लेकिन ये नहीं सोई, टस से मस नहीं हुई ये लड़की। मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ साथ साथ, छुट्टी ओहो, तो आपको छुट्टी लेके आनी चाहिए थी ना, वाइल्ड ट्रैवलिंग फिर आपको, सब तो चल रहा है ठीक है, लेकिन आपको छुट्टी लेके आनी चाहिए थी ना, मेरे लिए टाइम निकालना चाहिए। सैलरी काट लेंगे फिर तू देगा? नहीं मैं तो नहीं दूंगा फिर, कोई बात नहीं, इनसे बहस नहीं कर सकता कोई। अभी तक ऊपर नहीं पहुंचे, 30 किलोमीटर रहता है, एंड इस टाइम यहाँ का टेम्परेचर है वो है 8 डिग्री। हिसाब लगा लो किस तरीके की ठंड है, और अभी मनाली में -9-10। हाँ ठंड है। तो भाई अभी बज गए हैं रात के 12:15 और अभी तक हमें रूम नहीं मिला भाई, ठोकरे खा रहे हैं। इस ये हमारा चौथा होटल है जिसमें हमें पूछा और उन्होंने मना कर दिया कि रूम नहीं है, अभी और ऊपर जाना पड़ेगा, और इट्स टू मच कोल्ड। ओह तो फाइनली होटल मिल चुका है, कितनी ठंड है। सर कैसे इतनी धुंध, कैसे ठंड हो रही है? बहुत ठंड हो रही है भाई, और ये देख लो फॉग ही फॉग है, ये कोई कैमरे के ऊपर ऐसी खराब क्वालिटी नहीं है, ये इतनी ज्यादा फॉग है यहाँ पे। और भाई 12 बजे हमें एग्जैक्ट होटल यहाँ पे मिला है, तो अभी रात काटनी है तो भाई होटल तो अपना यही है, उसके बाद सुबह निकलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा धुंध हो गई है, विजिबिलिटी भी नहीं है, टीवी बाहर बिल्कुल नहीं है, आप पीछे देख लो मतलब बिल्कुल ही ना हालत खराब हुई पड़ी है भाई लौंडे, बहुत तगड़ी। तो एंड ठंड नेक्स्ट लेवल, मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर अभी इसकी गाड़ी में दिखा रहा था वो था 4 डिग्री। हाँ जी लैपटॉप वाले बैग ठंड है, अब बोलू फिर कौन सी वाली ठंड है? ठंड तो है भाई, बहुत ठंड है। चल के दवाई लूं मेरे को। तो भाई अब सीधा रूम में चलते हैं, वहां जाके बात करते हैं, रूम वाला व्यू दिखा देते हैं। फिर आगे हमारे रूम, तो फाइनली रूम मिल चुका है, एंड रूम अपना ये आगे, एक बार रूम देख लो। हो बस अब क्या करें, हमारा रूम है फटीक में, यही रूम फटीक में हमें यही रूम मिला है, एंड यही अब गुजारा करेंगे। हो बाहर तो बहुत ठंड है, तो भाई यही रूम है, इसी में गुजारा करना है, और यहाँ से निकलेंगे सवेरे, यहाँ पे हमने अब गुजारा करना है, एंड सवेरे यहाँ से टाइम से निकल जाएंगे ताकि हम टाइम से मनाली पहुंच जाएं फटाफट, है ना। ओह मतलब यहाँ पे टेम्परेचर 4 डिग्री हो रहा है, और कमरे ना ऐसे लग रहा है जैसे खिड़कियां खुली हुई है, हवा आ रही है इतनी तेज, बिल्कुल चिल पड़े हैं कमरे भी।
और व्लॉग करने की, तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना। एंड अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहा तो फॉलो कर लो, आईडी स्क्रीन पे आ रही होगी। एंड इसके बाद वाले अब जो व्लॉग्स आएंगे ना, दवा बर्फ में अलग ही मजा आ जाएगा आप लोगों को, बिल्कुल मतलब हटके, मतलब बर्फ में डोनट्स भी लगेंगे, मैं ये भी बताऊँ डोनट्स लगेंगे। तो देखते रहना वीडियो, अब थोड़ा थोड़ा सीरीज निकलेगी भाई, सीरीज निकली तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। भैया ने समझाओ जरा।